बीजापुर में 12 अप्रैल को एक मजदूर मुन्ना भारती की नक्सलियों के लगाए आईईडी ब्लास्ट में चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में मातम है। परिवार के लोग दर्द भूल नहीं पा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर था। इस घटना में मारे गए मजदूर बस्तर जिले के छोटे देवड़ा गाँव का रहने वाला बताया गया है, जो की नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। लास्ट हुआ हाँ उसमें मैं तो अब सुना था पहले, वैसे होता है बोल के उस क्षेत्र में। आज परिवार के पहली बार ऐसे परिवार के, मेरे परिवार को ही पालने पोषण करने वाले उनका अब बम के चपेट में आने से डेथ हुआ। अरे कलर वो गए काम पे मजदूरी करने जी, आज के वो 15 दिन लगभग हो ही गया सर, मुद्दर करने गए थे। क्या जानकारी मिला जी सर? रामनाम को बाद में हमको फोन करके बताए कि इसको इसको फोन करके बताए अपना तुम्हारा चाचा जी का, तो हुआ यहाँ बम ब्लास्ट हुआ बोल के बताए सर। खाम दाम करके लाने वाला हो ही था, उसका बड़ा भाई तो देख रहे हो एक आंख में अंधा है, काम कमाने कर उतना नहीं पाता है। घर में 6-7 परिवार होते हैं, पूरा कमाई हुई करता है, अधिकतर बाहर भी जाता है, घर का कमाई कहीं से भी उसके जरिया जो चल रहा था ये परिवार का पालन पोषण। और जो मजदूर जो करने तो हर कोई जाते हैं, लेकिन मजदूरों के साथ इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए। 12 अप्रैल को बीजापुर जिले में एक ग्रामीण की आईडी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उस दिन मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का बीजापुर प्रवास भी था। मजदूर जब काम से लौट रहा था तो अचानक उसका पैर आईईडी की चपेट में आया, जिससे घटना स्थल पर वो घायल, बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। जो मृतक युवक है ये बस्तर जिले के छोटे देवड़ा का रहने वाला है। ये उनका परिवार है, लगभग 6-7 परिवार है। आज पूरा परिवार और पूरा गाँव शोक में है, क्योंकि वही व्यक्ति था जो पूरे परिवार का लालन पोषण करता था, कमाता था। ऐसे में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद परिवार काफ़ी तरह से खामोश है, चुप है, भयभीत है कि आखिर ऐसा घटना हुआ कैसे। परिवार के लोगों का ये भी मानना है कि नक्सल आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि जवान भी चपेट में आते हैं, आम इंसान भी चपेट में आते हैं। अब इनका परिवार का जो मुखिया था, जो लालन पालन करता था, वो भी चपेट में आ गया है। परिवार के लोगों का साफ कहना है कि आखिर नक्सली चाहते क्या हैं। अगर कुछ डिमांड है, कुछ मांगे, तो सरकार से बात करें। ऐसे खून खराबा करने से किसी परिवार का जो चिराग है वो बुझ गया है। परिवार का ये भी कहना है कि जो परिवार का जो मुखिया था, कमाने खाने वाला था, वो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी मौत हो गई है। आने वाले दिनों में ये भी मांग कर रहे हैं कि नक्सल घटनाओं पर अंकुश सरकार सख्त से सख्त लगाए। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। अंबिकापुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर